नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 18 जुलाई और 18 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 18 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में आपके कौन कौन से जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे, वो भी आपके इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे। तो आप लोग से ये निवेदन है कि जो लोग वीडियो को देखते हैं कृपया लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स ए बॉलर कैन बॉल इन ओडीआई मैच। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 10 ओवर हो जाएगा। ठीक है, देयर आर 3 पावर प्ले इन ओडीआई मैच, इसको भी याद रखिएगा, एंड इन लिमिटेड ओवर्स लाइक T20 ए बॉलर कैन बॉल ए मैक्सिमम ऑफ 4 ओवर्स। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रूलर गेव अप फाइटिंग आफ्टर द कलिंगा वार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है मौर्यन एम्परर अशोक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किंग अशोक वॉज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप विनिंग आफ्टर विनिंग द कलिंगा वार। द कलिंगा वार वॉज फाउट बिटवीन द मौर्य एम्पायर एंड कलिंगा ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, एंड आफ्टर विनिंग द कलिंगा वार्स किंग अशोक रिनाउंस्ड विक्ट्री बिकॉज ही हैड रियलाइज्ड वायलेंस, ही रिनाउंस्ड द ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए वर्ल्ड कंकरर, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ही डिसाइड टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम इसका राइट आंसर रहेगा। राइबोसोम्स आर मैक्रोमोलिकुलर मशीन्स फाउंड विथ इन ऑल लिविंग सेल्स विच कैरी आउट बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हु लीड द वर्दोली सत्याग्रह। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। द बारदोली सत्याग्रह वॉज अ मेजर पीजेंट मूवमेंट इन June 1928 इन गुजरात ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। महात्मा गांधी गेव द टाइटल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया एज ही प्लेड ए मेजर रोल इन अनयूनिफाइंग इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस टेकन करेंसी व्हाट वॉज द नेम। ठीक है, तो टोकन करेंसी इन इंडिया वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इशू टोकन मनी इन 1330 आफ्टर हिज अनसक्सेसफुल कैंपेन इन देवगिरी। डेट इज द ब्रास एंड कॉपर क्वाइंस आर मिंटेड एंड हुज वैल्यू वॉज इक्वल टू गोल्ड एंड सिल्वर क्वाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच रिलीजन्स डज हैमिस मथ विल मट बी लॉन्ग एंड हैमिस फेस्टिवल। ठीक है, तो बुद्धिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैमिस जो आपका मोनेस्ट्री है यानी कि मठ है, इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन द लद्दाख। द फेस्टिवल ऑफ ऑर्गेनाइज बाय द लामा चीफ ऑफ द बट यूनिवर्सिटी गुरु पद्मशंभव वाज हु वाज द फाउंडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। ठीक है, दिस टू डेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पेराइज ऑफ द हैमिस मोनेस्ट्री। गुरु पद्मशंभव इज नोन एज द तिब्बतन बुद्धिस्ट एज द इनक्रेडिबल एंड द सेकेंड बुद्धा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन 4 सेट्स ऑफ वॉलीबॉल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 25 हो जाएगा। ए गेम कंसिस्ट ऑफ 5 सेट्स एंड द फर्स्ट 4 सेट्स आर 25 पॉइंट्स। वॉलीबॉल वॉज फर्स्ट इंक्लूडेड इन द ओलंपिक गेम्स इन 1964। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मीन्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका कमर्शियल बैंक हो जाएगा। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड कम अंडर द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल मेंबर। ए नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड मनी लेंडर्स, सेट मनी लेंडर्स, फार्मर्स, रिलेटिव, ईटीसी, विच आर द इजी सोर्स ऑफ द क्रेडिट इन रूरल एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आर आर सॉन्ग नाटू नाटू इज कंपोज्ड बाय हुम। ठीक है, तो एम एम किरवानी इट्स राइट आंसर। इन आर आर जो मूवी है उसके जो डायरेक्टर हैं आपके एस एस राजमौली जी हैं। द 95 एकेडमी अवार्ड हैज अनाउंस डेट आर आर नाटू नाटू हैज द वन द बेस्ट ओरिजिनल साउंड। ठीक है, द ऑस्कर वॉज एक्सेप्टेड बाय द लिरिस्ट चंद्र बोस एंड म्यूजिक कंपोजर एम एम किरवानी।
The Telugu song Natu Natu is sung by Kal Bhairav and Rahul Siplgunj. Natu Natu means dance, ठीक है, मतलब नाचना. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच आर्टिकल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड ट्राई टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परर, ठीक है. तो इसका जो राइट आंसर है आपका आर्टिकल 51A हो जाएगा. आर्टिकल 51A के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य निहित हैं. फर्स्ट वन, रिस्पेक्ट फॉर ऑल नेशनल फ्लैग्स एंड नेशनल एंथम वाइल फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड, एड्रेस टू द प्रिंसिपल द फ्रीडम स्ट्रगल एंड डिफेंस ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड व्हेन कॉल्ड अपन द डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल ड्यूटी. नेक्स्ट है सेंस द ब्रदरहुड. नेक्स्ट आपका कीपिंग द मिक्स्ड कल्चर अलाइव. नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड द नेक्स्ट आपका द टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परर. नेक्स्ट आपका सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी. नेक्स्ट आपका स्ट्राइविंग ऑफ एक्सीलेंस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट है आपका इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पेरेंट्स एंड गार्जियन टू सेंड देयर चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12, 14 स्कूल्स, ठीक है. नेक्स्ट है आपका हु अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है. तो इसका जो राइट आंसर है आपका स्टेट गवर्नर. इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा द आर्टिकल 243 प्रोवाइडेड द गवर्नर सेल व्हेन सो रिक्वेस्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड द स्टेट इलेक्शन कमीशन विथ सच स्टाफ एज मे नेसेसरी फॉर डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन कन्फर्ड ऑन द स्टेट इलेक्शन वाइज क्लॉज, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि हु हैज बीन मेड एजुकेशनल एडवाइजरी ऑफ वर्ल्ड बैंक इन इंडिया, ठीक है. तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका होगा डिस्ले, ठीक है. रंजीत कुमार डिस्ले इट्स राइट आंसर, ठीक है. रंजीत कुमार डिस्ले को आपका वर्ल्ड बैंक का क्या एजुकेशन सलाहकार नियुक्त किया गया है, ठीक है. तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा रंजीत सिंह डिस्ले, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हु फाउंडेड द अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है. तो सैयद अहमद खां इट्स राइट आंसर. सर सैयद अहमद खां ई एसोसिएटेड विद द अलीगढ़ मूवमेंट. ही ऑर्गेनाइज एंड फाउंडेड द अलीगढ़ इन मूवमेंट इन 1875, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन अ सीमेंट, ठीक है. तो इसका जो राइट आंसर है 20 to 50% इट्स राइट आंसर एंड एल्युमिनिया 5 to 12%, ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया टुक प्लेस इन विच 5-year plan. तो इसका जो राइट आंसर है 8th, ठीक है. 8th 5-year plan इट्स राइट आंसर, ठीक है. आपका क्या हो जाएगा 8th 5-year plan आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है. तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या रहा 100% रियल और आपका ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए थे. बाकी मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब आपका काम है कि आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए. बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में. PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स. बाय, टेक केयर.